आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग पर। तो गाइज आज हम लोग आए हैं तातापानी, बलरामपुर जिले के तातापानी में आए हुए हैं और आप सभी को आज तातापानी घुमाएंगे हम लोग। तो हम लोग बलरामपुर आए थे कुछ काम से, तो सोचे थोड़ा सा तातापानी भी घूम के आते हैं। ज़्यादा कोई हम लोग नहीं आए हैं, मम्मी पापा और हम दोनों बस चार लोग ही आए हुए हैं। तो चलिए आप लोग को आज तातापानी घुमाते हैं। यहाँ का जो बड़ा सा शिव जी का मूर्ति उसको दिखाएंगे और जहाँ पे गरम गरम पानी निकलता है ना वो सब दिखाएंगे। ठीक, चलिए तो हमारे ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। एकदम गरम पानी है। एक दो जगह और है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पहले हम लोग मंदिर शिव जी का दर्शन करके आते हैं। इधर सब कोई चले गए, मैं पीछे रह गई, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देख सकते हो यहाँ पे तातापानी महोत्सव भी होता है, वो क्या कहते हैं मकर संक्रांति में। इधर मम्मी पापा दो ही जन घूम रहे हैं, इधर देख सकते हो। और ये हमारे शिव जी का मूर्ति है यहाँ पे बड़ा सा, भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस पति देव जा रहे हैं, वहाँ पे कैंटीन है अंदर में ही, वहाँ से नारियल लेने जा रहे हैं। नारियल लेके आएंगे फिर हम लोग पूजा पाठ करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मम्मी लोग सब तालाब में मछली देख रहे हैं। और ये रहा शिव जी का मूर्ति, काफी प्यारा दिख रहा है, बड़ा बड़ा मछली, बाप रे यहाँ अच्छे से दिख रहा है। नारियल हम इनका फोटो खींच नहीं रहे लेकिन हो गया, खींचा गया। चलो आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग नारियल बाद में फोड़ेंगे, पहले जाएंगे उधर। तो गाइस हम लोग अभी फोटो तो ले लिए हैं, पूरा फोटो क्लिक करा लिए यहाँ से सब लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं शिव जी के पास, जहाँ पे बड़ा सा मूर्ति बना हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ पास से, थोड़ा नज़दीक से आप लोग को दिखाऊंगी। चलिए पापा मम्मी तो ऊपर में जाके बैठ गए हैं। देखिए अम्मा प्रार्थना करिए कि नहीं, भले आए बापू देखा। इधर से, इधर से घुमा, इधर से तरफ से ऐसे तो ना, इसे तो ज्यादा भीड़ है, कितना बड़ा है, टगे मगे चलो घूम के आ जाओ। अब इसके बाद ये सब टाइल्स बाद में लगा, लग रहे हैं सब, नहीं लगा था जब आया था, लगा था। तो देखिए ये सब चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, ये सब में तो बात इतना भीड़ रहता होगा उस समय। एक राउंड ये है फुलवाड़ी पर, इधर भी मस्त बना हुआ था लेकिन क्या करें, सफाई नहीं होने की वजह से कैसे गंदा दिख रहा है। ये पीछे का दृश्य, अरे मधुमक्खी देख रहे हो इसमें कितना सारा मधुमक्खी है यहाँ पर, और वहाँ पर मधुमक्खी है। तो हम लोग का एक चक्कर पूरा होता हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
थोड़ा सब बैठे हुए हैं सब, क्योंकि मंदिर कहीं भी जाओ, कोई सा भी मंदिर जाओ, तो थोड़ा सा उन बैठो, प्रार्थना करो, पूजा पाठ करो, उन सब के बाद में थोड़ा सा बैठना चाहिए, इसलिए हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो माँ बता कैसे लगी तो? अच्छा लग, जोर से बोल। कितना मैं कहूँ, एकदम अच्छा लगी। अच्छा लगी ना? अच्छा। अब का और कभी देखे रहे कि नहीं इसे? अब आप बताए। मैं कहा सर कि इसमें ऐसा नहीं बना था ना। अच्छा, ऐसा बना हुआ उसके बाद पहली बार आए, जबकि हम लोग संगगढ़ से ये ज़्यादा नहीं 50 किलोमीटर मान लो, 50 किलोमीटर दूरी है। कहाँ जा रहे हो? तो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी घूम लिए, शिव जी का दर्शन कर लिए, अभी एक मंदिर है वहीं जा रहे हैं, पूजा करेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे ताता पानी, जो कि जहाँ से गरम गरम पानी निकलता है उसको दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू। कितना साफ सुथरा है ना? बहुत साफ सुथरा है यहाँ, मतलब ऐसा है ना कि बैठ सकते हैं यहाँ पे हम लोग आराम से। तो इधर मम्मी पापा लोग घूमते हुए अब येरा दिए कहने एकदम साफ सुथरा रही है कि फोटो का सेशन हो गया, अब चलते हैं कहीं और, मंदिर की ओर धीरे धीरे जाते हैं अपन तीनों की तीनों। बारिश हो रहा है, आप लोग जब कभी भी आए तो बारिश के मौसम में अपने अपने लिए छाता लेके आए, हम लोग जैसे ऐसा नहीं कि हम भीगते हुए आए, पर भीगने का अलग ही आनंद है। चलो चलो मंदिर चलो। प्लास्टिक बैग दर्शन योगी है। हर हर महादेव। तो देखिए ये शेर हमारे इस मंदिर का रखवाली करता है, फिर ये नंदी जी है बीच में, और फिर इधर भी शेर हैं। तपेश्वर महादेव धाम ताता पानी। पूजा करके बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रसाद खुद खा गए दिखा के। और ये है रास्ता, मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है वो जगह जहाँ से ताता पानी निकल रहा है, मतलब गर्म पानी। यहाँ पे एक नदी है, मतलब नाला है, नाला जैसा है, देख सकते हो यहाँ से पानी बह रहा है। सभी लोग आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो आप, बस यही से बता दो। कितना धुआं निकल रहा है यहाँ से, गर्म की वजह से भाप निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है पूरा यहाँ से।
इधर भी गर्म पानी है ना? हाँ। नहीं, नहीं। थोड़ा थोड़ा निकल रहा है धुआं। हमें नहा है इसमें। नहा है? हाँ। मम्मी गर्म पानी को छू रही है। ज्यादा गर्म है का? हाँ, एकदम गर्म। जल जाएगा। जलेगा हाथ। कितना गर्म है? मैं भी छू के देखती हूँ का। बहुत ज्यादा गर्म मेरे जला सही में अभी थोड़ा तो ये है। अंडा अंडा खुशबू आ रहा है दो ऐसे ही आता है देखो कितना खोल रहा है देखो खोल रहा है सही में एकदम से। यहाँ पे लोहा क्यों लगाए थे पता है? ये सब के नाम माँ वो कर रहे थे क्या बोलते यहाँ पे बिजली पैदा उच्च करेंगे सब काका हो रहा तो समय बहुत समय यही वाला मेन है ना यहाँ ना आस पड़ोस वाले लोग गर्म पानी ठंडा में तो लोग गर्मी नहीं करते होंगे पानी ठंडी में मस्त आई है गर्म गर्म। तो यहाँ पे नहाने के लिए कुंड बनाया गया है तो आप लोग यहाँ भी गर्म पानी में छू के दिखाते हैं थोड़ा कम है हाँ इसलिए इसको नहाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे बहुत गर्मी भी लग रहा है ठंडी में नहाने के लिए ठीक है। तो गाइस अब हम लोग जाते हैं यहाँ से वापस देख सकते हो ये एक सुंदर सा गांव है गांव के बीच में है ये पानी जहाँ से गर्म गर्म पानी एक नाला है जहाँ से गर्म गर्म पानी निकल रहा है बगल में एक नदी है और उधर मंदिर शिव जी का। यहाँ पे छोटा सा दुकान है जहाँ पे अंडा बेच रहे हैं अगर आप लोग कभी आओ और अंडा उबालना चाहो गर्म पानी में तो अंडा यहाँ पे मिल सकता है। हम लोग पूछे नहीं कितने का लेकिन 5-10 रुपए का मिल सकता है ना। तो गाइस अब जाते हैं घर घर के लिए निकलते हैं हमें लेट भी हो रहा है तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अभी के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।